अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि आप क्रैमर रूल यूज़ करें. ठीक है, हमने इसी तरह मैट्रिक्स क्वेश्चन उसने दिया हुआ था, उसके हमने उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया. ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गया, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया. अब स्टूडेंट्स करना ये है, वही पहले सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट ले लेना है. 1, 1, 2, 3 का हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2. ठीक है, देन ये हमारे पास आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अभी हम इसको फर्दर कर लेते हैं. अगर तो ये 0 हो जाता, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता, तो हम इसको फर्दर नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो अभी हम D1 फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, इसका जो मेथड होता है वो इस तरह से होता है कि हमने इसको पहले D1 फाइंड आउट करना है. यहाँ पे जो हमारा एक्स वाली टर्म है, देखिए ये एक्स वाली टर्म है, एक्स के साथ वाले जो कोफिशेंट है, इनकी जगह हमने क्या करना है, इनकी जगह हमने लेना है बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स ये वाला है 3, 5 और 2, 3. ठीक है, ये हमारे पास D1 आ जाएगा. ठीक है, इसको ए एक्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, यानी यू करके ए और स्मॉल एक्स यू भी लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसको D1 में लिख रही हूँ. इस तरह से भी लिख लें, कोई इशू नहीं है. अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं जी. 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 विच इज़ इक्वल्स टू -1. ठीक है, ये हमारे पास D1 आ गया. अब हम D2 फाइंड आउट करते हैं. D2 हमारे पास क्या है, D2 ये जो y वाली टर्म है, ठीक है, यानी इसके जो कोफिशेंट्स हैं, उसके कोफिशेंट्स कौन से हैं, ये 2, 3 को की जगह हम b मैट्रिक्स लिखेंगे. ठीक है, x वाली टर्म को उसी तरह रहने देंगे, ये 1, 1 था. इस 2, 3 की जगह यहाँ पे हम इसकी जगह हम ये b मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी कि 3, 5 लिख देंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा हमारे पास 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2. ठीक है, अब हमारे पास D1 और D2 आ गया. अब हमारे हमने क्या करना है, x के लिए हमें D1, क्योंकि देखें D1 हमारे पास ये जो था, यहाँ से हमने b मैट्रिक्स रखा था. ठीक है, तो ये x के इक्वल हो गया, x के इक्वल ये आ गया D1 ओवर a डिटर्मिनेंट. ठीक है, D1 हमारे पास क्या आया था, -1 ओवर ए डिटर्मिनेंट 1 आ गया, तो एक्स हमारे पास आ गया -1. इसी तरह वाई देखें, D2 ओवर ए डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास 2 था और ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट पॉजिटिव 1 है, तो ये आ गया हमारे पास 2. ठीक है, एज इट इज. तो स्टूडेंट्स हमारे पास x 1 आ गया और y 2 आ गया. अब हम इसको सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं. सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 2. होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है हमारे पास 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन 4 की हम टाइप नंबर 2 करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y = 1, 5x + 3y
equals to 2, 2, 5, 1, 3, ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स, हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई वाला आ गया और ये 1, 2, ये ए आ गया, ये एक्स आ गया और ये बी आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसी तरह हमने करना है, पहले ए डिटर्मिनेंट ले लेना है, ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 2, 1, 5, 3, ये आ जाएगा 6 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1, देन अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के इसका D1 मालूम करना है। D1 के लिए हमें क्या चाहिए, D1 के लिए हमने ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसकी जगह ये x वाली टर्म होती है, ठीक है, यहाँ पे x होता है, तो x की जगह हमने 1, 1, 2 लिख लेना है और दूसरा सेम रहने देना है, ठीक है, y वाली टर्म सेम रहने देनी है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम D2 फाइंड आउट कर लेते हैं, D2 करेंगे तो 2, 5 अपनी जगह पे रहेंगे, ये 2, 5 इधर ही रहेगी x वाली टर्म, y वाली टर्म की जगह हम 1, 2 लिख देंगे, यानी b मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये हमारे पास आ जाएगा 5 विच इज़ इक्वल्स टू -1। अब हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना है, x के लिए हम करते हैं पहले D1 बाय a डिटर्मिनेंट, तो D1 हमारे पास था 1, a डिटर्मिनेंट 1 था, तो ये हमारे पास x 1 आ गया। y के लिए हम करते हैं तो ये आ जाएगा D2 बाय a डिटर्मिनेंट, तो D2 हमारे पास था -1, डिटर्मिनेंट 1, तो ये हमारे पास -1 आ गया, y हमारे पास -1 आ गया। सो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, सॉल्यूशन सेट इज 1 -1, होपफुली समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी क्वेश्चन का पार्ट 3, ठीक है, यानी क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है हमारे पास, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.6, ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का, देन y इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 8y इक्वल्स टू 0, ठीक है, 1, 3, 2, 8, ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। एक्स वाई इक्वल्स टू 1, एक्स वाई आ गया ये, और ये आ गया 1, 0, ये हमारे पास आ गया 1, 0 बी मैट्रिक्स, ए एक्स और इक्वल्स टू बी, ठीक है। देन हम करते हैं जी ए डिटर्मिनेंट ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 विच इज़ इक्वल्स टू 2, जब ये 2 के इक्वल आ गया तो मीन्स ये फर्दर हो सकता है, ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू 0, हम इसको फर्दर कर लेते हैं, तो ये हम D1 फाइंड आउट कर लेते हैं। D1 के लिए हमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी जगह रिप्लेस करनी होगी बी टर्म, 1, 0 फर्स्ट कॉलम की जगह हमने ये कर दिया, ये आ गया हमारे पास 8 -0 विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। इसी तरह हम D2 फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे D2 इज ये जो टर्म है ये तो सेम रहेगी, ये तो अपनी जगह पे रहेगी, इसकी जगह हमने B मैट्रिक्स को पुट कर देना है, 1, 2 सेम रहेगा, 3, 8 की जगह 1, 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0 -2, तो ये आ गया हमारे पास -2,
डी टू हमारे पास आ गया माइनस टू आर विच इज नॉट सॉरी इसको यहाँ से नहीं देखना। अब हमने क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। x के लिए हमें चाहिए d1 ओवर a डिटर्मिनेंट, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। तो d1 हमारे पास था 8 ओवर a डिटर्मिनेंट हमारे पास था 2, तो ये आ गया हमारे पास 4। y के लिए हम करते हैं, तो y के लिए हमें d2 ओवर a डिटर्मिनेंट लेना है। d2 माइनस 2 था और a डिटर्मिनेंट 2 था, तो ये हमारे पास माइनस 1 आ गया। एक्स वाई की दोनों की वैल्यूज़ आ गई, तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट इज 4 माइनस 1, पहले बाद लिखने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का, दैट इज 6.6। तो क्वेश्चन क्वेश्चन 5 नहीं सॉरी क्वेश्चन 4 ही है और इसकी टाइप है 4। ठीक है, इसकी हमने 4 टाइप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन ये है हमारे पास माइनस 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 5, एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 7। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 1 6 माइनस 1 एक्स वाई 5 माइनस 11 माइनस 7। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया, ये एक्स आ गया और ये बी आ गया। ठीक है, तो अभी हम ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 6 1 माइनस 1 का डिटर्मिनेंट, दैट इज माइनस 2 माइनस 6। ठीक है, ये इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। इट्स 3। ठीक है, ये 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस 6 और माइनस माइनस दोनों माइनस है ना, तो प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 6। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 0। जी स्टूडेंट्स, 0 हो गया तो फिर फर्दर हम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स therefore solution set, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, is not possible। स्टूडेंट्स, मैथ्स में अक्सर शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज़ होती हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई नंबर्स का इशू नहीं होता। ठीक है,